हेलो स्टूडेंट्स, आज हम यूनिट टू करेंगे। यूनिट वन में मैंने आपको बताया कि मात्रक क्या होते हैं, भौतिकी क्या होती है, भौतिकी के कितने प्रकार होते हैं, भौतिक राशियों के कितने प्रकार होते हैं, और एमकेएस, सीजीएस, एफपीएस ये पद्धति क्या क्या होती है, और अलग अलग दूरी को मापने के लिए, द्रव्यमान को मापने के लिए, समय को मापने के लिए कौन कौन से मात्रक यूज़ करते हैं, और 10 की घातों को क्या क्या बोला जाता है, ये भी मैंने आपको बताया था। आज हम यूनिट 2 स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम विमा और विमीय सूत्र के बारे में पढ़ेंगे। तो विमा, विमा क्या होता है? किसी भी भौतिक राशि को सांकेतिक रूप में लिखने का ढंग ही विमा कहलाता है, ठीक है। तो किसी भौतिक राशि को सांकेतिक रूप में लिखना ही विमा कहलाता है। तो विमा क्या कहलाता है? किसी भौतिक राशि को सांकेतिक रूप में लिखना, किसी भौतिक राशि को सांकेतिक रूप में लिखना ही क्या कहलाता है? विमा कहलाता है। उसी तरह विमीय सूत्र, विमीय सूत्र या तो क्या बोलते हैं, डायमेंशनल डायमेंशनल फॉर्मूला, ठीक है। तो विमीय सूत्र क्या कहलाता है? किसी भौतिक राशि को मूल राशि के घातों के रूप में लिखना ही क्या कहलाता है? विमीय सूत्र कहलाता है, ठीक है। तो किसी भौतिक राशि को, किसी भौतिक राशि को मूल राशि के घातांकों के रूप में लिखने का ढंग ही विमीय सूत्र कहलाता है, विमीय सूत्र, विमीय सूत्र कहलाता है, ठीक है। तो विमीय सूत्र क्या कहलाता है? किसी भौतिक राशि को उसके मूल राशि के घातों के रूप में लिखने का ढंग ही क्या कहलाता है? विमीय सूत्र कहलाता है। मूल राशि, यहाँ पे हम मूल राशि क्या क्या यूज़ करते हैं विमीय सूत्रों को लिखने के लिए? जो कॉमनली मूल राशियाँ यूज़ की जाती हैं विमीय सूत्र को लिखने के लिए, विमीय सूत्र को लिखने के लिए मूल राशि कौन कौन सी है? यहाँ पे मूल राशियाँ, मूल राशियाँ तो कौन कौन सी हैं जो कॉमनली यूज करते हैं, ठीक है। तो ये है लंबाई, ठीक है, लेंथ, इसको एम से प्रदर्शित करते हैं, ठीक। और इसको विमीय सूत्र लिखने के लिए एल का यूज करते हैं, ठीक है। वैसे द्रव्यमान, द्रव्यमान मास बोलते हैं जैसे इंग्लिश में, इसको प्रदर्शित करते हैं किलोग्राम से, और इसका विमीय सूत्र किसमें लिखते हैं? कैपिटल एम में विमीय सूत्र लिखा जाता है, ठीक है। तो आप ये नोट कर लीजिए, फिर मैं और बताती हूँ कौन कौन सी है।
तो मैंने बताया विमीय सूत्रों को लिखने के लिए मूल राशियां कौन कौन सी, लंबाई, द्रव्यमान, समय, सेकंड बोलते हैं इसको, इसको एस से प्रदर्शित करते हैं, और विमीय सूत्र लिखने के लिए टी लिखा जाता है, ठीक है। वैसे विद्युत, टेम्परेचर, टेम्परेचर या तापमान, तापमान, ठीक है। इसको इसको इसका विमीय सूत्र किससे लिखते हैं, थीटा या फिर केल्विन यूज करते हैं, ठीक है। थीटा या केल्विन यूज करता है अगर इसका विमीय सूत्र लिखना है तो टेम्परेचर का, ठीक है। उसी तरह विद्युत धारा, विद्युत धारा, विद्युत धारा जिसे बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट, तो इलेक्ट्रिक करंट का विमीय सूत्र किसे लिखते हैं, कैपिटल ए, ठीक है। तो ये है विमीय सूत्र लिखने के लिए, जो मेनली विमीय सूत्र लिखने के लिए जो इम्पोर्टेंट है, जैसे लंबाई, द्रव्यमान, समय, तापमान, विद्युत धारा, ये पांचों बहुत ही कॉमनली यूज होता है विमीय सूत्र लिखने के लिए। वैसे मैंने आपको बताया था कि मूल जो राशियाँ हैं वो सात प्रकार की होती हैं, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था जो मूल राशियाँ होती है वो लंबाई, द्रव्यमान, समय, तापमान, विद्युत धारा, ठीक है, ये कितना हुआ, पाँच, और एक पदार्थ की मात्रा और एक कैंडला यूज़ करते हैं, ठीक है। पदार्थ की मात्रा को तो मोल बोलते हैं और एक कैंडला करके भी यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये सब होती है विमीय, विमीय ये क्या होता है, मूल राशियाँ, पर यहाँ पे मैंने बस आपको पांच ही लिखाई है क्योंकि ये कॉमनली विमीय सूत्र लिखने के लिए इन पांचों का ही यूज़ किया जाता है। पदार्थ की मात्रा ये सब का यूज़ बहुत कम या बहुत ही रेयर किया जाता है, ठीक है। तो आप इसको नोट कर लीजिए, बताया कि विमा क्या होता है, विमीय सूत्र क्या होता है, मूल राशियों में कौन कौन सी राशियां जो है विमीय सूत्र लिखने के लिए यूज करते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ विमीय सूत्र निकालते कैसे हैं राशियों के, ठीक है। तो नाम, सूत्र, एसआई यूनिट और विमा, विमीय सूत्र, तो नाम, सूत्र, एसआई यूनिट और विमीय सूत्र, ठीक है। तो मैं आपको बताती हूँ चाल, पहला है चाल, चाल, चाल क्या होता है, चाल तो नाम है, क्या चीज का नाम है, ये भौतिक राशियों के नाम है, भौतिक राशि, मैंने आपको बताया था ना भौतिक राशियाँ, फर्स्ट यूनिट में आपको बताया था कि भौतिक राशियाँ क्या होती है, वे राशियाँ जिन्हें मापा जा सकता है उनको बोलते हैं भौतिक राशियाँ, और जिन्हें मापा नहीं जा सकता उनको क्या बोलते हैं, नॉन भौतिक राशियाँ, ठीक है। तो चाल बराबर क्या होता है, इसका सूत्र क्या होता है, चाल बराबर होता है दूरी बटे समय, दूरी बटे समय, ठीक है। अब इसका ऐसा यूनिट, दूरी के लिए मैंने बताया था आपको एमीटर यूज़ करते हैं, ठीक है, और समय के लिए सेकंड यूज़ करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर पर सेकंड, ठीक है, मीटर पर सेकंड को लिखते हैं मीटर, मीटर सेकंड की पावर माइनस वन, ठीक है। इसका विमीय सूत्र क्या हो जाएगा, मैंने बताया कि लेंथ के लिए क्या क्या यूज़ करते हैं, जो लेंथ होता है, लंबाई के लिए क्या यूज़ करते हैं, लंबाई के लिए मैंने बताया आपको, लंबाई के लिए विमीय सूत्र क्या यूज़ करते हैं, L यूज करते हैं, समय के लिए क्या यूज करते हैं, T यूज करते हैं, ठीक है। वैसे द्रव्यमान के लिए क्या यूज करते हैं, कैपिटल M यूज करते हैं, ठीक है, ये मैंने आपको बताया था। तो यहाँ पे क्या है, दूरी क्या है, लंबाई है,
ठीक है, तो ये एम की जगह क्या होगा, लंबाई के लिए एल, तो यहाँ पे इसकी जगह क्या हो जाएगा, ये इसके लिए एल यूज करेंगे, और इसके लिए क्या यूज करेंगे, तो समय है, समय को टी से प्रदर्शित करते हैं, टी की पावर माइनस वन, और एम यहाँ पे तो है नहीं, द्रव्यमान तो है नहीं, तो उसकी पावर क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, तो इसका विमीय सूत्र क्या हो जाएगा, एम की पावर जीरो एल टी की पावर माइनस वन। ठीक है, ये जो एल है वो किसको दर्शा रहा है, मीटर को, जो टी है वो सेकंड को दर्शा रहा है, सेकंड की पावर माइनस वन है, इसलिए यहाँ पे माइनस वन, यहाँ पे द्रव्यमान का कुछ दिया ही नहीं है, इसलिए क्या लिखे, द्रव्यमान की पावर जीरो। ठीक है, वैसे दूसरा है वेग, वेग बराबर क्या होता है, वेग बराबर वेग का सूत्र क्या होता है, विस्थापन बटे समय, वेग बराबर क्या होता है, विस्थापन बटे समय। ठीक है, यहाँ पे भी विस्थापन के लिए क्या यूज करते हैं, मीटर यूज करते हैं, और समय के लिए सेकंड, तो क्या हो जाएगा, एम एस की पावर माइनस वन, तो इसका विमीय सूत्र क्या हो जाएगा, यहाँ पे द्रव्यमान तो है नहीं, तो द्रव्यमान की पावर जीरो, लेंथ दिया है, लेंथ की पावर क्या है, वन है, तो लेंथ की पावर कुछ नहीं, मतलब वन ही होता है, सेकंड मतलब टी की पावर क्या जाएगा, माइनस वन। ठीक है, तो वेग, वेग चाल और वेग का विमीय सूत्र क्या होता है, एम की पावर जीरो एल टी की पावर माइनस वन। ठीक है, वैसे क्षेत्रफल, क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई, क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। ठीक है, तो लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई को भी किससे प्रदर्शित करते हैं, मीटर से, और चौड़ाई को भी किससे प्रदर्शित करते हैं, मीटर से, तो ये क्या हो जाएगा, अगर आधार सेम हो तो क्या होते हैं, घाती घाते जुड़ जाती हैं। ठीक है, तो मीटर का स्क्वायर हो जाएगा, अब यहाँ पे ना तो द्रव्यमान है ना तो समय है, तो दोनों की पावर जीरो आ जाएगा। ठीक है, तो एम की पावर भी जीरो आएगा, एल की पावर कितना जाएगा, टू, क्योंकि ये एल क्या दर्शाता है, ये लंबाई दर्शाता है, और यहाँ पे मीटर है, मीटर की पावर टू है, तो एल की पावर टू होगा। ठीक है, टी की पावर क्या जाएगा, जीरो हो जाएगा, क्योंकि समय तो यहाँ पे कुछ दिया नहीं है। ठीक, तो द्रव्य क्षेत्रफल का क्या हो जाएगा, एम की पावर जीरो एल की पावर टू टी की पावर जीरो। हमेशा जो विमीय सूत्र है ना उसको एम एल टी के रूप में ही लिखा जाता है। ठीक है, अगर और कुछ ऐड होता है, जैसे मैं आपको बताया, अगर विद्युत धारा ऐड होती है तो इसमें ही, अगर विद्युत धारा इसमें आता है तो इसमें ही ऐड हो जाता है, अगर टेम्परेचर इसमें आता है तो इसमें ही केल्विन या फिर थीटा ऐड हो जाता है। ठीक है, पर मेनली अगर कुछ नहीं है तो एम एल टी के रूप में ही प्रदर्शित किया जाता है। फोर्थ वन है आयतन, आयतन बराबर क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, है ना, आयतन बराबर ये होता है, तो लंबाई के लिए क्या यूज करते हैं, मीटर, चौड़ाई के लिए मीटर, ऊंचाई के लिए मीटर, तो क्या हो जाएगा, मीटर क्यूब। ठीक है, ना यहाँ पे भी ना तो द्रव्यमान के बारे में बात की गई है, ना ही समय के बारे में बात की गई है, तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, एम की पावर जीरो एल की पावर थ्री टी की पावर जीरो। तो आयतन का जो है, आयतन का जो विमीय सूत्र होता है वो क्या होता है, एम की पावर जीरो एल की पावर थ्री टी की पावर जीरो। ठीक है, वैसे बल, बल बराबर क्या होता है, द्रव्यमान गुणा त्वरण, बल बराबर क्या होता है, द्रव्यमान, द्रव्यमान गुणा त्वरण, और त्वरण क्या होता है, त्वरण बराबर क्या होता है, त्वरण, त्वरण क्या होता है, जिसको एक्सेलरेशन भी बोलते हैं, वो होता है वेग में परिवर्तन, वेग में परिवर्तन बटे समय, कोई क्या बोलते हैं, हम त्वरण बोलते हैं। ठीक है, तो वेग में परिवर्तन, वेग में परिवर्तन, तो ये क्या हो जाएगा, वेग में परिवर्तन मतलब वेग का जो, वेग का जो एसआई यूनिट है वो क्या होता है, मैंने को होता है वेग का एसआई यूनिट होता है एम एस की पावर माइनस वन, तो ये हो जाएगा एम एस की पावर माइनस वन। ठीक है, स्मॉल एम है ये, एम एस की पावर माइनस वन, और सम, और यहाँ पे समय है, समय को एस से प्रदर्शित करते हैं, तो क्या हो जाएगा, एम एस की पावर माइनस वन, और ये ऊपर जाएगा तो माइनस वन। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, एम एस की पावर माइनस टू। ठीक है, अब इसको किससे प्रदर्शित, त्वरण, अब देखो यहाँ पे भी द्रव्यमान की बात नहीं की गई है, तो एम की पावर क्या आ जाएगा, जीरो,
अब एल एल की पावर यहाँ पे मीटर क्या है, मीटर के ऊपर क्या एक ही है ठीक है, तो एल ऐसे रहेंगे, फिर समय के ऊपर क्या जाएगा, टी के ऊपर क्या जाएगा, माइनस टू, तो त्वरण का माइनस टू, तो त्वरण का विमीय सूत्र क्या होता है, m की पावर जीरो l t की पावर माइनस टू ठीक है। वैसे बल के लिए बल का क्या हो जाएगा, बल हो जाएगा द्रव्यमान, द्रव्यमान को किससे प्रदर्शित करते हैं, किलोग्राम में ठीक है, और त्वरण क्या हो जाएगा, त्वरण का मैंने बताया था क्या होता है, m s की पावर माइनस टू ठीक है, ये होता है ना इसका, त्वरण का क्या होता है, m s की पावर माइनस टू, तो मैंने ऐसे लिख दिया द्रव्यमान गुणा त्वरण ठीक है। अब देखो यहाँ पे किलोग्राम की बात की गई है, मैंने बताया कि द्रव्यमान के लिए m यूज करते हैं और ये द्रव्यमान ही तो है ठीक है, तो इसके इसकी पावर जीरो नहीं रहेगा यहाँ पे, इसकी पावर क्या रहेगा, इसकी पावर कुछ नहीं है मतलब वन ही है ठीक है, एल टी की पावर क्या हो जाएगा माइनस टू ठीक है। तो ये आपका तो क्या होता है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है जो एग्जाम में पूछा जाता है कि चाल का विमीय सूत्र क्या होता है, वेग का विमीय सूत्र क्या होता है, क्षेत्रफल का क्या होता है, आयतन का क्या होता है, बल का क्या होता है, त्वरण का क्या होता है। तो बताइए चाल का क्या होता है, एम एल टी की पावर माइनस वन, वेग का भी देखो यहाँ पे जो चाल है और वेग है इन दोनों का विमीय सूत्र क्या है, समान है ठीक है, हमेशा चाल और वेग का विमीय सूत्र क्या होता है, समान होता है ठीक है। और वैसे क्या क्षेत्रफल का क्या होगा, एम की पावर जीरो एल टी की एम की पावर जीरो एल की पावर टू टी की पावर जीरो ठीक है, वैसे क्या हो जाएगा एम की पावर जीरो एल की पावर थ्री टी की पावर जीरो, किसका है ये आयतन का है। बल का क्या हो जाएगा एम एल टी की पावर माइनस टू ठीक, वैसे त्वरण का क्या हो जाएगा m की पावर जीरो l t की पावर माइनस टू ठीक है। तो ये आपका इसको नोट कर लीजिए आप, फिर मैं आपको और भी मैं सूत्र बता दूँ जो मेनली एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसको नोट कर लीजिए। हाँ तो मैंने क्या बताया था, ये किसका है चाल का है, ये किसका है वेग का है, ये किसका है क्षेत्रफल का है, ये किसका है आयतन का है, ये किसका है बल का है, और ये किसका है त्वरण का है। मैं इसको नहीं मिटा रही क्योंकि ये अभी मैं जितने भी विमीय सूत्र पढ़ाऊंगी आपको उसमें ये सारी चीजें यूज होगी, इसलिए मैं इस पोर्शन को नहीं मिटा रही हूँ ठीक है। वैसे एक होता है दाब, दाब बराबर क्या होता है, जिसको प्रेशर भी बोलते हैं, दाब बराबर क्या होता है बल बटे क्षेत्रफल, ये होता है दाब बराबर है ना, तो दाब बराबर होता है बल बटे क्षेत्रफल। और मैंने बताया कि बल का मैंने विमीय सूत्र बताया क्या होता है, एम एल टी की पावर माइनस टू। इस बल का बल मतलब क्या होता है, बल मतलब होता है द्रव्यमान गुणा त्वरण ठीक है बटे क्षेत्रफल, बल बराबर क्या होता है द्रव्यमान गुणा त्वरण। द्रव्यमान गुणा त्वरण है ना, ये होता है बल। और द्रव्यमान के लिए क्या यूज करते हैं, किलोग्राम यूज करते हैं। त्वरण के लिए त्वरण क्या होता है, त्वरण होता है वेग में परिवर्तन की दर, वेग में परिवर्तन की दर बटे समय बटे क्षेत्रफल, नीचे तो है ही है ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा किलोग्राम, और वेग में परिवर्तन मैंने बताया कि वेग के लिए क्या यूज करते हैं, एम एस की पावर माइनस वन डिवाइड बाय एस है यहाँ पे, डिवाइड बाय पूरा क्षेत्रफल ठीक है। तो क्या हो जाएगा ये किलोग्राम गुणा, ये क्या हो जाएगा एम एस की पावर माइनस टू डिवाइड बाय क्षेत्रफल के लिए मैंने बताया था क्या यूज करते हैं, क्षेत्रफल के लिए मीटर स्क्वायर ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा किलोग्राम, ये हो जाएगा किलोग्राम
गुना मीटर, देखो ये वन है, ये ऊपर जाएगा तो माइनस टू हो जाएगा, है ना, और ये क्या हो जाएगा एस के पावर माइनस टू, तो ये क्या हो जाएगा किलोग्राम गुना मीटर के पावर क्या हो जाएगा माइनस वन एस के पावर माइनस टू, ठीक है। तो इसका विमीय सूत्र क्या होगा, इसका विमीय सूत्र क्या होगा, किलोग्राम मतलब किससे प्रदर्शित करेंगे, किलोग्राम में तो उसको किससे प्रदर्शित करेंगे, एम से, कैपिटल एम से, है ना। तो दाब का विमीय सूत्र क्या हो जाएगा, क्या है ये किलोग्राम गुना मीटर का माइनस वन इंटू एस के पावर माइनस टू, यही है। तो ये क्या हो जाएगा, इसके लिए कैपिटल एम यूज करते हैं, किलोग्राम के लिए मीटर है, मीटर के लिए एल यूज करते हैं माइनस वन, और सेकेंड के लिए टी यूज करते हैं तो माइनस टू। तो दाब का विमीय सूत्र क्या हो जाएगा, एम एल के पावर माइनस वन टी के पावर माइनस टू, तो ये दाब का विमीय सूत्र होगा, ठीक है। ये समझ में आया, इसको एक बार और एक्सप्लेन कर देती हूँ आप लोगों को। देखो दाब बराबर क्या होता है, बल बटे क्षेत्रफल होता है, ठीक है, और बल बराबर क्या होता है, द्रव्यमान गुणा त्वरण। द्रव्यमान को हम लोग किलोग्राम में लिखते हैं और त्वरण को हम लिखते हैं वेग में परिवर्तन बटा सेकंड, ठीक है, और ये तो क्षेत्रफल है ही आपका, किलोग्राम इंटू वेग में परिवर्तन, वेग जो में परिवर्तन मैंने आपको बताया था कि क्या होगा, वेग, वेग में परिवर्तन बोलो या वेग बोलो, ठीक है, यहाँ पे जो वेग में परिवर्तन है उसमें वेग का ही विमीय सूत्र लेके चलते हैं या फिर ऐसा यूनिट लेके चलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एस एम एस माइनस वन बताया था मैंने, ये वेग का होता है, तो ये क्या हो जाएगा एम एस माइनस वन, ठीक है, और ये क्या हो जाएगा सेकंड का एस। अब ये क्षेत्रफल किलोग्राम इंटू, अब देखो ये नीचे है तो ऊपर जाके भी माइनस वन होगा, ठीक है, ये भी ऊपर जाके माइनस वन होगा ना, एम एस के पावर माइनस वन, और ये भी क्या हो जाएगा एस के पावर माइनस वन, ये गुणा में है, तो ये क्या हो जाएगा एम एस के पावर माइनस टू, ठीक है, तो इसलिए एम एस के पावर माइनस टू लिखा है मैंने। अब क्या हो जाएगा किलोग्राम इंटू एम वन माइनस टू, ये इसके पावर वन है, कुछ नहीं मतलब वन है, और ये क्या हो जाएगा टू है, टू है नीचे, टू है तो ऊपर जाके हो जाएगा माइनस टू हो जाएगा, और आधार से में तो घाते जुड़ जाती हैं, तो क्या हो जाएगा एम के पावर वन माइनस टू एस के पावर माइनस टू, ठीक है। तो एक किलोग्राम इंटू एम के पावर माइनस वन, देखो वन माइनस टू है तो एक हो जाएगा माइनस वन हो जाएगा, सेकेंड सेकेंड के पावर माइनस टू, तो इसको मैंने फिर से यहाँ लिखा है किलोग्राम इंटू एम के पावर माइनस वन इंटू एस। देखो किलोग्राम को क्या लिखते हैं, द्रव्यमान, तो द्रव्यमान क्या होता है एम, एम से प्रदर्शित करते हैं इसको, ये क्या है लेंथ, एम मतलब क्या होता है लेंथ, तो लेंथ को एल से प्रदर्शित करते हैं, उसकी पावर क्या है माइनस वन है, तो इसकी पावर भी क्या हो जाएगा माइनस वन, और ये सेकेंड है, सेकेंड की पावर क्या हो जाएगा माइनस टू, ठीक है। तो ये आपका दाब का, दाब का, दाब का विमीय सूत्र क्या हो जाएगा, एम एल के पावर माइनस वन टी के पावर माइनस टू, तो इसको नोट कर लीजिए आप, फिर मैं आपको और बताती हूँ और कौन कौन से विमीय सूत्र होते हैं। एक होता है प्रतिबल, प्रतिबल, प्रतिबल क्या होता है, प्रतिबल को क्या बोलते हैं, स्ट्रेस बोलते हैं, ठीक है। ये क्या होता है, बल बटे क्षेत्रफल, ठीक है। देखो दाब बराबर भी बल बटे क्षेत्रफल होता है और स्ट्रेस बराबर भी बल बटे क्षेत्रफल होता है। दाब बराबर, दाब ऐसे लगाते हैं, ठीक है, ऐसे किसी चीज को दबाते हैं, मतलब ऐसे करके दबाए प्रेस किए तो उसको क्या बोलेंगे, दाब। और स्ट्रेस क्या होता है, स्ट्रेस भी वही चीज होती है, ऐसे उसको किसी चीज को प्रेस करना, ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं, प्रतिबल, इसको स्ट्रेस बोलते हैं, उसमें स्ट्रेस लगता है, उसमें वो ऐसे दबता है, ऐसे दबेगा तो वो दाब का ही प्रकार, इसलिए इसका भी फॉर्मूला क्या होता है, बल बटे क्षेत्रफल, ठीक है। बल क्या होता है, यहाँ पे मैंने बताया था, बल क्या होता है, द्रव्यमान गुणा त्वरण, पढ़ा है ना आपने, एफ इक्वल्स टू एम ए, ठीक है, ये बल है, ये एम मतलब द्रव्यमान, ए मतलब त्वरण, ठीक है। तो बल क्या होता है, द्रव्यमान गुणा त्वरण, द्रव्यमान गुणा त्वरण बटे क्षेत्रफल। अब बल का मैंने बताया था, द्रव्यमान को किलोग्राम में लिखते हैं, और मैंने त्वरण का बताया था, त्वरण का क्या होता है, एम एस, एम एस के पावर माइनस टू। क्षेत्रफल का क्या होता है, क्षेत्रफल का मैंने बताया था क्या होता है, एम की पावर टू, ठीक है। ये होता है किलोग्राम इंटू एम की पावर वन, अब देखो यहाँ पे टू है तो ये ऊपर जाएगा, है ना, तो m की पावर माइनस टू हो जाएगा, ये उसको ऊपर करेंगे तो m की पावर माइनस टू हो जाएगा, इंटू एस की पावर माइनस टू तो है ही है, ठीक है। ये हो जाएगा किलोग्राम इंटू
एम की पावर वन, देखो आधार से में तो खाते जुड़ जाती हैं, तो ये हो जाएगा माइनस टू इंटू एस की पावर माइनस टू, तो ये क्या हो जाएगा किलोग्राम इंटू एम की पावर माइनस वन इंटू एस की पावर माइनस टू। ठीक है, मैंने बता दें किलोग्राम को किससे प्रदर्शित करते हैं, कैपिटल एम से। ठीक है, किलोग्राम को किससे प्रदर्शित करते हैं, किससे प्रदर्शित करते हैं, कैपिटल एम से। और यहाँ पे मीटर है, तो मीटर को किससे प्रदर्शित करते हैं, एल से, एल की पावर माइनस वन। और ये सेकंड है, सेकंड को किससे प्रदर्शित करते हैं, सेकंड को प्रदर्शित करते हैं टी से, तो टी की पावर माइनस टू। ठीक है, तो प्रतिबल जिसको स्ट्रेस भी बोलते हैं उसका फॉर्मूला क्या होता है, बल बटे क्षेत्रफल। ठीक है, मैंने बताया था बल बराबर क्या होता है, द्रव्यमान गुणा त्वरण, और डिवाइड बाय इसमें क्षेत्रफल। और द्रव्यमान को हम लोग किलोग्राम में प्रदर्शित करते हैं, और त्वरण, त्वरण का मैंने बताया कैसे क्या होता है, त्वरण का ये एम एस की पावर माइनस टू, तो एम एस की पावर माइनस टू। ठीक है, एम एम स्क्वायर, क्षेत्रफल का क्या होता है, क्षेत्रफल का होता है एम स्क्वायर, तो एम स्क्वायर। ठीक है, किलोग्राम इंटू एम की पावर वन, देखो यहाँ पे कुछ नहीं है, मतलब वन है। ठीक है, और ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, एम की पावर माइनस टू हो जाएगा, इंटू एस की पावर माइनस टू तो है ही है यहाँ पे। ठीक है, इसको किलोग्राम इंटू, अब देखो आधार से में तो खाते जुड़ जाएंगी, तो ये हो जाएगा एम वन माइनस टू इंटू एस की पावर माइनस टू, ये किलोग्राम इंटू एम की, अब देखो वन माइनस टू है तो माइनस वन बचेगा, मीटर की पावर माइनस वन इंटू एस की पावर क्या हो जाएगा माइनस टू। अब किलोग्राम है तो किलोग्राम क्या होता है, द्रव्यमान को प्रदर्शित करता है। ठीक है, तो द्रव्यमान के लिए एम यूज करते हैं, समय के लिए टी, और लंबाई के लिए एल यूज करते हैं। तो द्रव्यमान है, तो द्रव्यमान के लिए कैपिटल एम लिखेंगे यहाँ पे। ठीक है, और इसकी पावर कुछ नहीं है, मतलब वन है, तो इसके पावर वन ही होगा। और ये क्या हो जाएगा लंबाई, एम मतलब क्या होता है लंबाई, लंबाई के लिए एल यूज करते हैं, और एम की पावर क्या है माइनस वन, तो इसकी पावर क्या हो जाएगा माइनस वन। और सेकेंड है, सेकेंड की पावर क्या है माइनस टू, सेकेंड को टी से प्रदर्शित करते हैं विम्मी सूत्र लिखने के लिए, तो क्या हो जाएगा टी की पावर माइनस टू। तो प्रतिबल का जो स्ट्रेस बोलते हैं जिसको, उसका विम्मी सूत्र क्या हो जाएगा एम एल की पावर माइनस वन टी की पावर माइनस टू। तो इसको नोट कर लीजिए, फिर मैं आपको दूसरा बताती हूँ। अब एक होता है घनत्व, जिसको डेंसिटी बोलते हैं। ये क्या होता है घनत्व, क्या होता है घनत्व, बराबर होता है आयतन, आयतन बटे क्षेत्रफल। ठीक है, आयतन क्या होता है, आयतन को वॉल्यूम बोलते हैं इंग्लिश में, और बटे क्षेत्रफल एरिया। तो आयतन बटे क्षेत्रफल क्या होता है, घनत्व कहलाता है। अब मैंने बताया था आयतन के लिए क्या यूज करते हैं, आयतन के लिए यूज करते हैं आयतन का ऐसा ही मात्रक क्या, एम की पावर क्यूब। तो क्या होता है एम की पावर क्यूब डिवाइड बाय जो द्रव्यमान है उसका क्या है, सॉरी क्षेत्रफल है उसका क्या है एम का स्क्वायर। ठीक है, अब हो जाएगा एम की पावर थ्री इंटू एम की पावर माइनस टू, ये ऊपर जाएगा तो माइनस टू हो जाएगा, इक्वल टू क्या हो जाएगा एम की पावर थ्री। अब सेम है तो क्या, आधार से में तो क्या होता है खाते जुड़ जाती हैं, तो ये हो जाएगा। अब यहाँ बोला कि घट क्यों रही हैं, तो इसका मतलब ये तो जुड़ जाती हैं, होता है देखो, ये हो जाएगा प्लस और ये हो जाएगा माइनस टू। ठीक है, मैंने बोला कि आधार से में तो खाते क्या हो जाती है, जुड़ जाती है, पर प्लस और माइनस का मल्टीप्लाई तो माइनस ही होता है ना, तो एम क्या हो जाएगा एम की पावर थ्री माइनस टू। ठीक है, ये क्या हो जाएगा एम। ठीक है, मैंने थोड़ा गलत बता दिया आप लोगों को, ये नहीं होता। घनत्व बराबर क्या होता है, घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटे आयतन, द्रव्यमान बटे आयतन।
ना कि आयतन बटे क्षेत्रफल, मैंने गलत बता दिया, सॉरी उसके लिए माँ, सॉरी उसके लिए। तो घनत्व का क्या होता है, द्रव्यमान बटे आयतन। तो द्रव्यमान क्या होता है, किलोग्राम में लिखते हैं, और आयतन क्या है, आयतन के लिए क्या यूज़ करते हैं, मीटर क्यूब। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, किलोग्राम इंटू मीटर की पावर माइनस थ्री। अब किलोग्राम है, किलोग्राम मतलब द्रव्यमान, द्रव्यमान को कैपिटल एम से प्रदर्शित करते हैं विमीय सूत्र लिखने के लिए, और एल मतलब, एम मतलब क्या होता है, लेंथ की पावर माइनस थ्री। अब टी तो है नहीं यहाँ पे, एम एल टी के रूप में प्रदर्शित करते हैं विमीय सूत्र को, तो एम एल की पावर माइनस थ्री और टी की पावर क्या हो जाएगा, जीरो। तो घनत्व का विमीय सूत्र क्या हो जाएगा, एम एल की पावर माइनस थ्री टी की पावर जीरो। ठीक है, तो ये घनत्व का विमीय सूत्र होता है, तो इसको नोट कर लीजिए आप। एक होता है संवेग, संवेग, ठीक है, संवेग बराबर होता है मोमेंटम। संवेग को क्या बोलते हैं, मोमेंटम। मोमेंटम होता है, तो संवेग बराबर क्या होता है, को क्या बोलते हैं, मोमेंटम बोलते हैं। संवेग बराबर क्या होता है, द्रव्यमान गुणा, द्रव्यमान गुणा वेग, वो क्या बोलते हैं हम, संवेग। ठीक है, तो द्रव्यमान को किससे प्रदर्शित करते हैं, किलोग्राम से, और वेग मैंने बताया क्या होता है, वेग बराबर क्या होता है, मीटर एस की पावर माइनस वन, बताया है आपको वेग बराबर मीटर का ऐसा यूनिट क्या होता है, मीटर एम की एस की पावर माइनस वन। ठीक है, किलोग्राम इंटू, अब देखो किलोग्राम को किससे प्रदर्शित करते हैं, कैपिटल एम से विमीय सूत्र लिखने के लिए, एम मतलब लेंथ होता है, इसको एल से प्रदर्शित करते हैं, एस मतलब सेकेंड होता है, जिसको टी से प्रदर्शित करते हैं, और इसकी पावर क्या हो जाएगा, माइनस वन। तो संवेग का विमीय सूत्र क्या हो जाएगा, एम एल टी की पावर माइनस वन। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए आप। एक होता है आवेग, इसको इम्पल्स बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, इम्पल्स बोलते हैं। एक होता है क्या, आवेग, इसको क्या बोलते हैं, इम्पल्स बोलते हैं। ये क्या होता है, बल गुणा समय, बल गुणा समय, कोई क्या बोलते हैं हम, इम्पल्स बोलते हैं। ठीक है, तो बल, बल के लिए मैंने बताया क्या यूज करते हैं, किलोग्राम। बल बराबर पता है आपको क्या होता है, द्रव्यमान गुणा त्वरण होता है, द्रव्यमान गुणा त्वरण ही तो क्या होता है, बल होता है, इंटू समय। ठीक है, तो द्रव्यमान के लिए हम किलोग्राम यूज करते हैं, त्वरण के लिए क्या यूज करते हैं, त्वरण के लिए एम एस की पावर माइनस टू यूज करते हैं, समय के लिए एस यूज करते हैं, है ना। तो किलोग्राम एम एस की पावर माइनस टू प्लस वन। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, किलोग्राम एम एस की पावर माइनस वन। तो इसका विमीय सूत्र कैसे लिखेंगे, कैपिटल एम एल टी की पावर माइनस वन। तो जो संवेग है उसका विमीय सूत्र भी क्या होता है, एम एल टी की पावर माइनस वन, और जो आवेग है उसका विमीय सूत्र भी क्या होता है, एम एल टी की पावर माइनस वन। अगर ये नहीं दिख रहा था, मैं यहाँ लिख देती हूँ, एम एल टी की पावर माइनस वन। ठीक है, तो आप इसको नोट कर लीजिए। संवेग बराबर क्या होता है, द्रव्यमान गुणा वेग, और आवेग बराबर क्या होता है, बल गुणा समय। बल बराबर क्या होता है, द्रव्यमान गुणा त्वरण इंटू समय। तो इस, तो संवेग और आवेग, जिसको मोमेंटम और इम्पल्स दोनों बोलते हैं, उसका विमीय सूत्र क्या होता है, एम एल टी की पावर माइनस टू। तो इसको नोट कर लीजिए आप।
कार्य बराबर क्या होता है, होता है कार्य, कार्य बराबर क्या होता है, कार्य मतलब वर्क, वर्क ठीक है, कार्य बराबर क्या होता है बल गुणा दूरी, बल गुणा दूरी, यही तो होता है कार्य, कार्य बराबर क्या होता है बल गुणा दूरी, और बल का बल बराबर क्या होता है, बल बराबर होता है द्रव्यमान गुणा त्वरण, द्रव्यमान गुणा त्वरण गुणा दूरी तो है ही, तो द्रव्यमान को कैसे प्रदर्शित करते हैं किलोग्राम से, और त्वरण को कैसे प्रदर्शित करते हैं एम एस की पावर माइनस टू से, इनटू दूरी क्या है, दूरी को एम लिखते हैं ना, मीटर से प्रदर्शित करते हैं, तो क्या हो जाएगा किलोग्राम एम की पावर, यहाँ पे क्या हो जाएगा इसकी पावर भी वन है इसकी पावर भी वन है, तो वन प्लस वन हो जाएगा एस की पावर माइनस टू, तो किलोग्राम एम की पावर टू एस की पावर माइनस टू, तो क्या हो जाएगा किलोग्राम को का विमित्र लिखने के आप यूज़ करते हैं कैपिटल एम, इसके लिए एल की पावर टू टी की पावर माइनस टू, तो कार्य का विमित्र सूत्र क्या हो जाएगा एम एल की पावर टू टी की पावर माइनस टू, कार्य बराबर क्या होता है बल गुणा दूरी, बल बराबर क्या होता है द्रव्यमान गुणा त्वरण इंटू दूरी, ठीक है, और क्या हो जाएगा इस द्रव्यमान क्या होता है किलोग्राम इंटू त्वरण क्या होता है एम एस की पावर माइनस टू, और दूरी को किसे प्रदर्शित करते हैं, दूरी मतलब लेंथ होता है, तो लेंथ को किसे प्रदर्शित करते हैं मीटर से, ठीक है, किलोग्राम इंटू ये इसकी पावर भी बने इसकी पावर भी बने, तो वन प्लस वन हो जाएगा मतलब टू हो जाएगा, एस की पावर क्या हो जाएगा माइनस टू, तो किलोग्राम एम की पावर टू एस की पावर माइनस टू, तो किलोग्राम को मतलब जो द्रव्यमान है किलोग्राम मतलब द्रव्यमान है, द्रव्यमान को एम से प्रदर्शित करते हैं कैपिटल एम से, एम को जो है वो क्या है यहाँ पे लेंथ है, लेंथ को एल से कैपिटल एल से प्रदर्शित करते हैं, और इसकी पावर टू है तो इसकी पावर भी टू होगा, और एस क्या समय है, समय को टी से प्रदर्शित करते हैं इसकी पावर माइनस टू है तो इसकी पावर भी माइनस टू हो, तो कार्य का जो विमीय सूत्र होता है वो क्या होता है एम एल की पावर टू टी की पावर माइनस टू, देखो इतने सारे विमीय सूत्र मैं आपको पढ़ा रही हूँ, ये सब क्या क्यों यूज़ करते हैं, ये सब कोई भी विमीय सूत्र आपको दे देगा और बोलेगा बताओ इसमें से कौन सा विमीय सूत्र किसका है, जैसे जैसे कि यही दे दिया और बोलेगा कि किस किसका विमीय सूत्र है, बल का है दाब का है चाल का है वेग का है किसका विमीय सूत्र है, तो आपको बताना पड़ेगा कि कार्य का विमीय सूत्र है, तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा, फिर ये भी बोलेगा कि ये विमीय सूत्र दे दिया ये पूछ सकता है, ये दे दिया ये पूछ सकता है, तो इस टाइप से क्वेश्चन बनते हैं इसमें, तो इसको नोट कर लीजिए आप। एक होता है शक्ति, इसको पावर बोलते हैं, ये क्या होता है कार्य, शक्ति क्या होता है कार्य बराबर कार्य बटे समय, ठीक है, शक्ति क्या होता है कार्य बटे समय, और कार्य क्या होता है बल गुणा कार्य क्या होता है बल गुणा दूरी, बल गुणा दूरी बटे समय, ठीक है, और बल क्या होता है बल का क्या होता है ऐसा यूनिट क्या होता है बल बराबर होता है द्रव्यमान गुणा त्वरण, बल बराबर क्या होता है द्रव्यमान गुणा त्वरण गुणा ये दूरी, ठीक है, बटे समय, अब द्रव्यमान को किलोग्राम से लिखते हैं कैसा यूनिट किलोग्राम होता है, त्वरण को किससे लिखते हैं त्वरण के लिए ये होते हैं एम एस की पावर माइनस टू इंटू दूरी को एम से और समय को एस से प्रदर्शित करते हैं, तो ये क्या जाएगा किलोग्राम एम एस की पावर माइनस टू और ये ऊपर जाएगा तो फिर ये भी क्या जाएगा माइनस वन इंटू क्या जाएगा इंटू एस की पावर माइनस वन इंटू एम, तो ये क्या हो जाएगा किलोग्राम एम की पावर, देखो यहाँ पे एम की पावर वन है यहाँ पे भी एम की पावर है तो एम की पावर क्या हो जाएगा टू हो जाएगा, ठीक है, अब यहाँ एस की पावर माइनस टू है एस की पावर माइनस टू है और क्या होता है फिर माइनस वन है, ठीक है, आधार से हम तो घाते जुड़ जाती है, क्योंकि देखो किलोग्राम मीटर स्क्वायर एस की पावर माइनस थ्री, ठीक है,
तो शक्ति का क्या हो जाएगा, शक्ति का जो ऐसा यूनिट है वो क्या हो जाएगा, किलोग्राम एम मीटर स्क्वायर एस की पावर माइनस थ्री। अब इसका विमीय सूत्र क्या हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा शक्ति का क्या है, अब किलोग्राम है, इसको यहाँ लिख देती हूँ मैं, किलोग्राम है ठीक है। तो किलोग्राम से कैपिटल को कैपिटल एम से प्रदर्शित करते हैं ठीक है, और ये क्या हो जाएगा एल हो जाएगा, मीटर मतलब एल हो जाएगा, एल की पावर टू हो जाएगा, और सेकेंड है, सेकेंड को टी से प्रदर्शित करते हैं तो ये हो जाएगा माइनस थ्री ठीक है। तो जो शक्ति है, शक्ति का विमीय सूत्र क्या हो जाएगा, शक्ति का विमीय सूत्र हो जाएगा एम एल की पावर टू टी की पावर माइनस थ्री ठीक है। तो इसको नोट कर लीजिए, एक है आवृत्ति, आवृत्ति फ्रीक्वेंसी, ठीक है आवृत्ति मतलब फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी आवृत्ति क्या होता है, एक वन बटे समय, कोई क्या बोलते हैं आवृत्ति, आवृत्ति बराबर होता है एक बटा समय, या फिर समय का ये क्या होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, व्युत्क्रमानुपाती होता है ठीक है, इन्वर्सली प्रोपोर्शन होता है आवृत्ति के, समय के प्रोपोर्शन क्या होता है आवृत्ति होता है ठीक है। तो ये क्या होता है, ये वन डिवाइड बाय समय क्या होता है, किससे प्रदर्शित करते हैं सेकंड से ठीक है। तो ये ऊपर जगह तो क्या जाएगा एस की पावर माइनस वन। अब यहाँ ना तो द्रव्यमान की बात की गई है ना तो दूरी की बात की है गई है, तो यहाँ पे क्या जाएगा एम की पावर जीरो एल की पावर जीरो, और यहाँ पे समय की बात की गई है तो टी की पावर क्या जाएगा माइनस वन। तो आवृत्ति का जो विमीय सूत्र है वो क्या होता है एम की पावर जीरो एल की पावर जीरो टी की पावर माइनस वन, ये क्या होता है आवृत्ति का विमीय सूत्र होता है। आवृत्ति क्या होती है, व्युत्क्रमानुपाती होती है समय के ठीक है। तो ये इसको आप नोट कर लीजिए, पृष्ठ तनाव, पृष्ठ तनाव, पृष्ठ तनाव क्या होता है बल बटे लंबाई, बल बटे लंबाई कोई क्या बोलते हैं पृष्ठ तनाव, बल मतलब कितना बल कितने पृष्ठ तनाव मतलब कितने पृष्ठ की लंबाई पर, ये कोई पृष्ठ है इसमें हम लोग कोई बल देते हैं तो इसकी लंबाई पे कितना तनाव लग रहा है, ये कोई वस्तु है इसमें अगर बल दिया जाए इसकी लंबाई L है तो इसमें कितना तनाव लग रहा है, कितना वो तनाव महसूस कर रही है उस मतलब वो बल कितना वो जो है वो कितना आगे खसक रहा है ठीक है। पृष्ठ तनाव मतलब इसके पृष्ठ पर कोई बल देने से उसके बल और लंबाई के बल बटे लंबाई को क्या बोलते हैं पृष्ठ तनाव बोलते हैं ठीक है। तो बल का क्या होता है, बल क्या होता है द्रव्यमान गुणा त्वरण बटे लंबाई, द्रव्यमान क्या होता है द्रव्यमान को किलोग्राम से प्रदर्शित करते हैं, इसका ऐसा यूनिट किलोग्राम है, और त्वरण के लिए क्या यूज करते हैं एम एस की पावर माइनस टू, और लंबाई के लिए एस सॉरी मीटर एम ठीक है। और क्या जाएगा किलोग्राम इंटू एम की पावर वन और इंटू एम की पावर माइनस वन ठीक है, एस की पावर माइनस टू, देखो ये क्या हो जाएगा किलोग्राम इंटू एम की पावर वन और ये जाएगा माइनस वन इंटू एस की पावर माइनस टू, तो ये जाएगा किलोग्राम इंटू ये जाएगा जीरो एम की पावर जीरो इंटू एस की पावर माइनस टू। तो इसका विमीय सूत्र कैसे लिखेंगे, किलोग्राम के लिए कैपिटल एम एल की पावर जीरो ठीक है, टी की पावर क्या हो जाएगा माइनस टू। तो पृष्ठ तनाव का विमीय सूत्र क्या होता है एम एल की पावर जीरो टी की पावर माइनस टू,
तो क्या होता है पृष्ठ तनाव, क्या होता है बल बटे लंबाई को ही क्या बोलते हैं पृष्ठ तनाव बोलते हैं। बल क्या होता है द्रव्यमान गुणा त्वरण और बटे लंबाई, और द्रव्यमान को किलोग्राम से प्रदर्शित करते हैं। त्वरण क्या होता है एम एस के पावर माइनस टू डिवाइड बाई एम, किलोग्राम इंटू एम के पावर वन इंटू एम के पावर माइनस वन, ये ऊपर गया तो माइनस वन हो जाएगा, इंटू एस के पावर माइनस टू, किलोग्राम इंटू एस एम के पावर वन माइनस वन इंटू एस के पावर माइनस टू, ठीक है। तो किलोग्राम इंटू एम के पावर जीरो इंटू एस की पावर माइनस टू, ये वन वन है तो जीरो हो जाएगा। अब किलोग्राम को किसी कैपिटल एम से, एम को एल से और एस को टी से प्रदर्शित करते हैं, तो पृष्ठ तनाव का क्या विमीय सूत्र हो जाएगा एम एल की पावर जीरो टी की पावर माइनस टू। तो उसको नोट कर लीजिए, एक होता है बल आघूर्ण, बल आघूर्ण, बल आघूर्ण क्या होता है बल गुणा लंबाई, बल गुणा लंबाई को ही क्या बोलते हैं बल आघूर्ण, ठीक है। तो बल का पता है हमको क्या होता है, बल बराबर क्या होता है द्रव्यमान गुणा त्वरण इंटू लंबाई। देखो पृष्ठ तनाव क्या होता है बल बटे लंबाई, और बल आघूर्ण क्या होता है बल गुणा लंबाई, ठीक है। तो द्रव्यमान को किलोग्राम में का ऐसा, द्रव्यमान का ऐसा यूनिट किलोग्राम है, इंटू त्वरण का क्या है एम एस की पावर माइनस टू, एम एस की पावर माइनस टू इंटू लंबाई को मीटर से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। मीटर उसका ऐसा यूनिट है, तो किलोग्राम इंटू एम की पावर वन, और यहाँ पे भी वन है यहाँ पे भी वन है, तो वन प्लस वन एस की पावर माइनस टू हो जाएगा किलोग्राम इंटू एम की पावर, ये हो जाएगा टू इंटू एस की पावर माइनस टू, तो ये क्या हो जाएगा कैपिटल एम एल की पावर टू टी की पावर माइनस टू। तो बल आघूर्ण का एस, बल आघूर्ण का विमीय सूत्र क्या होता है एम एल के पावर टू टी के पावर माइनस टू, ठीक है। बल आघूर्ण क्या होता है बल गुणा लंबाई, और बल बराबर क्या होता है द्रव्यमान गुणा त्वरण इंटू लंबाई, ठीक है। ये द्रव्यमान को कैसा यूनिट क्या है किलोग्राम, और त्वरण का क्या है एम एस, किलोग्राम त्वरण का क्या है एम एस की पावर माइनस टू, ठीक है। इंटू लंबाई के लिए मीटर यूज करते हैं, किलोग्राम इंटू ये देखो यहाँ पे भी वन है यहाँ पे भी वन है, तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, आधार से घटते जुड़ जाते हैं, वन प्लस वन इंटू एस की पावर माइनस टू, किलोग्राम इंटू एम की पावर टू इंटू एस की पावर क्या हो जाएगा टू एस की पावर माइनस टू। किलोग्राम क्या हो जाएगा, किलोग्राम का कैपिटल एम, एम के लिए एल की पावर टू, एस के लिए टी की पावर माइनस टू। तो बल आघूर्ण क्या हो जाएगा, विमीय सूत्र क्या हो जाएगा बल आघूर्ण का एम एल की पावर टू टी की पावर माइनस टू। तो इसको नोट कर लीजिए, होता है कोणीय संवेग, कोणीय संवेग एंगुलर मोमेंटम, ठीक है। कोणीय, कोणीय संवेग यह क्या होता है द्रव्यमान गुणा वेग, यह होता है द्रव्यमान गुणा वेग, ठीक है। तो द्रव्यमान क्या होगा को किसे प्रदर्शित करेंगे किलोग्राम से, वेग क्या होता है, वेग का ऐसा यूनिट क्या होता है एम एस की पावर माइनस वन, ठीक है। किलोग्राम, अच्छा किलोग्राम को क्या, इसका विमीय सूत्र किलोग्राम को कैसे लिखेंगे एम, और एम एम स्मॉल एम जो लेंथ का है उसको कैसे लिखेंगे एल टी की पावर माइनस वन। तो कोणीय संवेग का क्या हो जाएगा विमीय सूत्र एम एल टी की पावर माइनस वन, ठीक है। तो कोणीय संवेग क्या होता है द्रव्यमान गुणा वेग, द्रव्यमान को किलोग्राम लिखते हैं इंटू संवेग वेग, वेग का क्या होता है वेग का ऐसा यूनिट होता है एम एस की पावर माइनस वन, वेग वेग बराबर होता है विस्थापन बटे समय, ठीक है।
तो ये हो जाएगा। फिर उसके बाद किलोग्राम एम एल टी की पावर माइनस वन, तो कोणीय संवेग का एम एल टी की पावर माइनस वन, तो उसको नोट कर लीजिए। गतिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा होता है हाफ इंटू द्रव्यमान, द्रव्यमान गुणा वेग का स्क्वायर, हाफ एम वी स्क्वायर पढ़ी होगी, हाफ एम वी स्क्वायर, तो हाफ द्रव्यमान गुणा वेग का स्क्वायर, ठीक है। तो इसका तो कोई यूज होगा नहीं, विमीय सूत्र लिखने के लिए ये अंकों का यूज नहीं किया जाता है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, द्रव्यमान, द्रव्यमान को किलोग्राम लिखते हैं इनटू वेग, वेग का मैंने बताया क्या होता है, वेग का जो ऐसा यूनिट होता है वो क्या होता है, एम एस की पावर माइनस वन का होल स्क्वायर, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा किलोग्राम इंटू एम की पावर, क्या हो जाएगा, ये अंदर मल्टीप्लाई होगा तो एम की का स्क्वायर एस की पावर माइनस वन इंटू टू, ठीक है। तो किलोग्राम इंटू एम का मीटर का स्क्वायर एस की पावर माइनस टू, तो क्या हो जाएगा, कैपिटल एम एल की पावर टू टी की पावर माइनस टू। तो गतिज ऊर्जा का विमीय सूत्र क्या होगा, एम एल की पावर टू टी की पावर माइनस टू। गतिज ऊर्जा क्या होता है, हाफ गुणा द्रव्यमान गुणा वेग का स्क्वायर, वेग का स्क्वायर, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, इसको तो यूज करेंगे नहीं विमीय सूत्र लिखने के लिए, इसका कोई यूज नहीं होगा, हाफ वन बाई टू का, ठीक है, वन बाई टू का कोई यूज नहीं होगा। यहाँ पे m जो है वो द्रव्यमान को दर्शा रहा है, ठीक है, और v जो है वो वेग को दर्शा रहा है, ठीक है। तो क्या जाएगा, किलोग्राम द्रव्यमान के लिए क्या यूज़ करते हैं, किलोग्राम इंटू m, और वेग के लिए क्या है, m s की पावर माइनस वन का होल स्क्वायर, क्या जाएगा, किलोग्राम इंटू m के का स्क्वायर s की पावर माइनस वन इंटू टू, तो किलोग्राम इंटू मीटर का स्क्वायर s की पावर माइनस टू, तो मीटर सॉरी किलोग्राम के लिए क्या यूज़ करते हैं, कैपिटल m, मीटर के लिए कैपिटल एल का स्क्वायर, और सेकंड के लिए टी की पावर माइनस टू। गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी, एम एल की पावर टू टी की पावर माइनस टू, इसको नोट कर लीजिए। तो आज क्लास यहीं पे ख़त्म करते हैं, कल इसके आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच।